आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक था। आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट सुबह सुबह मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कॉल किया और बोला कि जी जू जाओ, आज मूवी देखो, पार्टी करो, पिज्जा खाओ। एंड इन अ मोमेंट मेरी वाइफ ने भी बोला, मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू वॉच हनुमान। ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। And it just happened as if everything was planned. Universe conspired me to go on that time in that moment and watch the movie. It was so amazing, so smooth. इस मूवी से मुझे एक मैसेज भी मिला जो था कि बजरंगबली जी ने श्री राम जी से एक वादा किया था, मैं मानव जाति की रक्षा करूंगा, एंड दैट गिव्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी इन योर हार्ट कि आपका भगवान आपके साथ है, एंड दैट्स अ फीलिंग यू वॉक आउट ऑफ द थिएटर विद। दिस मूवी इज ग्रोइंग डे बाय डे बाय वर्ड ऑफ माउथ, और इस चीज को आप ट्विटर पर भी चेक कर सकते हैं। आप बिलीव ही नहीं करोगे, इस मूवी का बजट है 25 करोड़, सिर्फ 25 करोड़ रुपए, और इन्होंने इतनी सही, इतनी अच्छी मूवी बनाई है, और वो भी इतने अच्छे VFX के साथ कि आप इस मूवी को बस एंजॉय करोगे। इसमें गलतियां नहीं निकालोगे या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक सुपर फैक्ट जो मुझे पता चला है इस मूवी के मेकर्स का, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो हर बिकने वाले टिकट के ऊपर 5 रुपए डोनेट करेंगे श्री राम मंदिर अयोध्या में कंस्ट्रक्शन के लिए। अमेजिंग डिसीजन। इस मूवी में सब कुछ है, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, भक्ति है, कहीं कहीं पर इतने अच्छे सीन, इतने जबरदस्त सीन है कि आपके ना गूज़बम्प्स आ जाते हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या चाहिए? और इसके क्लाइमेक्स की तो मैं क्या ही बात बोलूं, योर आईज वोंट मूव, योर हार्ट विल स्टे, एंड यू विल कैप्चर ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दैट सीन। इट इज वेरी मेस्मराइजिंग। आपको लगेगा कि आपने इतनी सुंदर चीज इस दुनिया में और अपने जीवन में कभी देखी नहीं। आपको लगेगा कि बजरंग बली जी साक्षात आपके सामने खड़े हैं। और अब मुझे इंतजार है 2025 का पार्ट 2 देखने के लिए, एंड आई कांट वेट। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, और अगर नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट। जय श्री राम, जय हनुमान।